अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्यम जडक्षरम निवर्तते अर्थ भावेन अपक्रिया यतो यतः। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जब तक ये धरती पे मायावाद विचार रहेगा तब तक शुद्ध भक्ति का प्रचार संभव नहीं। अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्यम जदक्षरम निवर्तते अर्थ भावेन अपक्रिया यगतो यतः। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जब तक ये धरती पर मायावाद का प्रभाव रहेगा तब तक शुद्ध भक्ति का प्रचार संभव नहीं है। शुद्ध भक्ति श्रीमन महाप्रभु जी भगवान परात्पर अखिलेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में दक्षिण भारत में जहां भी गया मायावाद खंडन करके शुद्ध भक्ति का स्थापना किया। जहां भी गया श्रीमन महाप्रभु जहां भी गया, चाहे वाराणसी में हो चाहे दक्षिण भारत में, हर जगह शुद्ध भक्ति का स्थापना किया, मायावाद का खंडन किया। अब मेन क्वेश्चन आता है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय मायावाद? मायावाद का बेसिक क्या है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, वी ऑल मोर और लेस वी ऑल आर इन माया, मोर और लेस, कम और बेसी, ज्यादा और कम, मोर और लेस वी आर कंटेमिनेटेड विथ मायावाद विचार। चाहे मेरा तिलक माला हो, मेरा पगड़ी हो, मैं गौड़िया मठ का सदस्य बोल के परिचय देता हूं, ये तो ठीक है, मैं तो गौड़िया मठ का हूं, हम कैसे मायावाद? हाँ, ये विचार आता है। पोपा जी ने बताए, मोर और लेस वी ऑल आर कंटेमिनेटेड विद मायावाद। What do you mean by that? इसका माने क्या, क्या बोलना चाहते हैं? वो बात कह रहे हैं, मायावाद का फाउंडेशन क्या है? मायावाद का what is the basic foundation of मायावाद? मायावाद का basic foundation, मैंने पिछले पिछले सालों में यहां मायावाद का खंडन किया, वेदांतों का विचार बताया भगवान की कृपा से। मायावाद का बेसिक चीज है, ये लोग भगवान का नित्य स्वरूप मानते नहीं, गुरु वैष्णव का नित्य स्वरूप मानते नहीं, धाम का नित्य स्वरूप मानते नहीं, और नाम का तो मानना क्या है, कुछ नहीं। दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मायावाद। ये लोग कभी मानता नहीं कि भगवान नित्य है, भगवान का नित्य स्वरूप है, दे डोंट बिलीव। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। भगवान का नित्य स्वरूप है, भगवान का धाम का नित्य स्वरूप है, भगवान का भक्तों का नित्य स्वरूप है, भगवान का नाम नित्य है, ये मानता नहीं, ये लोगों का विश्वास नहीं होता। ये लोग बोलता है, बहुत सारे विचार आता है। आप प्रभुपाद जी का कहना है, आप अपने को क्वेश्चन करो, आप अपने को क्वेश्चन करो, डू यू बिलीव गुरु वैष्णव भगवान 100% ऑन नॉट? अपना छाती पे हाथ रख के बोलो, गंगा जी का हाथ रख के, आई बिलीव 100% गुरु वैष्णव भगवान, धाम नाम हम 100% विश्वास करते। कौन कह सकेगा?
क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं बट नॉट 100%। हम लोग गुरु वैष्णव भगवान को विश्वास करते हैं बट नॉट 100%। तो 100% अगर ना हो तो कितना परसेंट है? 80%। सपोज 80% बिलीव किया तो 20% मायावाद कंटेमिनेशन। बुझेगा लोग 80% बिलीव किया, 20% डिसबिलीव, 100% है क्या? तो 20% हमारा डिसबिलीव है, दैट इज कॉल्ड मायावाद कंटेमिनेशन। और 95% हम बिलीव करें, 95% फिर भी 5% मायावाद कंटेमिनेशन हमारा अंदर में जरूर है, क्योंकि गुरु वैष्णव भगवान में 100% विश्वास का मतलब है आई एम एस्टैब्लिश्ड इन शुद्ध भक्ति। अगर गुरु वैष्णव भगवान में हमारा 100% विश्वास हो गया, 100% विश्वास कब होता है? जब हमारा अंदर का अनर्थ हमारा अंदर का जो अनर्थ है, डिस्टर्बेंस है, जितना सारे मैल है, कंटामिनेशन है, ये भाग जाए। हमारा अंदर में जितना सारे संशय है, डाउट्स है, सस्पिशन है, क्वेश्चन है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, सब जब हट जाए उसका मतलब जरूर हमारा अंदर में गुरु वैष्णव भगवान में 100% विश्वास आया ही होगा। नहीं आने से कैसे सो? तो उस समय क्या होता है, जब 100% विश्वास हो जाता है गुरु वैष्णव भगवान में, मतलब हमारा अंदर का सारे अनर्थ भग जाता है। हरिनाम संकीर्तन गुरु वैष्णव का मुखारविंद से शुद्ध वाणी शोभन करते करते हरि कीर्तन हरि कथा के द्वारा उस समय हृदय निर्मल हो जाता। हृदय निर्मल होने का बाद भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम का स्वरूप सारे हृदय में प्रकाशित होता है। इट्स एन ऑटोमेटिक चेन वाइज ऑटोमेटिक होता है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे सीरीज। अब क्वेश्चन आता है तो ठीक है, हमारा अंदर में तो कंटामिनेशन मायावाद का है कि हम छोड़ के चले जाए? प्रभुपाद ऐसा नहीं बोले, हमारा अंदर में मायावाद का कंटामिनेशन है, होगा, लेकिन इस अवस्था में हमको शुद्ध गुरु वैष्णव का मुखारविंद से शुद्ध हरि कथा श्रवण करना जरूरी है। क्योंकि जितना परिमाण में मेरा हरिकथा कीर्तन में मन लगे, उतना ही परिमाण रेशियो, अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो, जितना परिमाण में हमारा हरिकथा कीर्तन में मन लगे, अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो हमारा प्रोग्रेस हो सकता भजन में। यथा यथा आत्मा परिमिज्यत असु मत्पुण्य गाथा सवनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अन्यनो संप्रयुक्त। भगवान बताया जैसे जैसे हमारा कथा कीर्तन में मन लगे, जैसा जैसा मेरा कथा कीर्तन में मन लगते रहेगा ना, जितना टेंशन हरि कथा कीर्तन जितना बहुत मन लगे, 100% मन लग गया तो हो गया। मन लग गया भगवत कथा में, भगवान का कथा में शुद्ध गुरु वैष्णव का मुखारविंद से निकला हुआ जो पिघला हुआ जो वाणी, तब तो हो गए। और कोई इसे भगवान बताए, भगवान ने भगवत जी महापुराण में बताया, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असो मत पुण्य गाथा सवनो विधान, जितना जितना परिमाण में शुद्ध हरि कथा कीर्तन सवन का आग्रह इंटेंशन बढ़ते रहेगा, उतना परिमाण में हमारा हृदय का जितना सारा मैल है, कंटामिनेशन है, वो हटते चलेगा। अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो मायावादी लोगों का बाहरी विचार में गुरु निष्ठा है, इतना गुरु निष्ठा है कि आप भी फेल हो जाओगे, आप गोड़िया मटकाओ ना आप भी फेल हो जाओगे, इतना गुरु निष्ठा बाहरी विचार। हमने क्या बोला, ये लोग बाहरी विचार में जब गुरु पूजा करते हैं इतना निष्ठा का साथ, बाहरी निष्ठा, इनसाइड वैकेंट, अंदर में कुछ नहीं,
अंदर में कुछ नहीं है, लेकिन गुरु का ऊपर इतना बड़ा उत्सव मना देगा, भंडारा कर देगा, प्रवचन भी कर देगा छोटा बड़ा, लेकिन इसका गुरु पूजा क्या है, एक कपट भाव है। इसका गुरु पूजा क्या है, कपट भाव। क्यों? गुरु गुरु में नित्य विश्वास तो नहीं है, गुरु में नित्य विश्वास तो नहीं है, जबकि हमारा शास्त्र में बताया गया जोशो साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदेश गुरु मर्तो श्राद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। भागवत जी महाप्राण बताया जोशो साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदेश गुरु, जिस गुरु जी हमको भगवत तत्व विज्ञान देने के लिए तैयार है, मारा पासा भगवत तत्व विज्ञान देने के लिए तैयार है, मेरा बंधन काट के मेरा नित्य जीवन का सूचना, मेरा नित्य जीवन का सूचना देने के लिए खड़ा हुआ है, मैं बैठा हुआ तेरे लिए इंतजार, आ जा मेरा पास। इस गुरु का ऊपर जब मेरा मर्त बुद्धि मेट्रियल कंसेप्शन आ जाए, जिस गुरु जी मेरे को हर हालत में ये बंधन से बचाकर नित्य जगत का संधान दे सकता, गुरु उसी को बोला जाता है, गुरु उसी को बोला जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मैं उसी गुरु चरण में अपना आत्मनिवेदन करने के लिए तैयार है, जिस गुरु मेरे को शत प्रतिशत नित्य जगत का संधान दे सकता है, मैं उसी गुरु चरण में आत्मनिवेदन करने के खराब हूं। जिस गुरु जी मेरे को नित्य जगत का संधान देने के लिए तैयार है, जो समर्थ है, उसी गुरु का चरण, मैं कोई धोखेबाज गुरु का चरण में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उसी गुरु चरण में आत्मनिवेदन करने के तैयार हूं जो मेरे को 100% मंगल दे सकता, गारंटी, वो कैन गारंटी के साथ मेरा नित्य मंगल दे सकता है, प्रोवाइडेड मेरा अंदर में कोई कपट भाव नहीं है, मेरा आत्मसमर्पण में कोई डुप्लीसिटी नहीं है, मेरा आत्मसमर्पण 100%, मेरा अंदर बहुत सारे अनर्थ है, लेकिन जब आत्मनिवेदन किया गुरुचरण ने, गुरुजी अपना सब दे दिया आपका चरण में, मेरा कुछ नहीं रखा, अगर हमने कुछ रिजर्व करके रखा अपना सीक्रेसी, गुरुजी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर हमने अपना दिल में कुछ छुपा के रखा, कुछ राज गुरुजी को बोलने के लिए तैयार नहीं है, हम छुपा के रखा गुरुजी के नहीं बोले, तो गुरुजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब 100% गुरु चरण में मेरा आत्मनिवेदन होता है, प्रभुपाद कह रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं आई हैव सम प्राइवेसी, प्रभुपाद कह रहे हैं दोज वर स्पीकिंग आई हैव सम प्राइवेसी, हमारे कोई पर्सनल विषय है, गुरुजी को क्या दरकार है, गुरुजी स्पिरिचुअल लीडर है, गुरुजी लैंड एंड प्रॉपर्टी के बारे में क्या समझेगा, गुरुजी लीगल मैटर में क्या समझेगा, गुरुजी तो स्पिरिचुअल मैटर में समझेगा। ऐसा गुरुदर्शन इज कॉल्ड फूलिश गुरुदर्शन, गुरुजी लीगल मैटर क्या समझेगा, गुरुजी तो लीगल मैटर चाहिए, लीगल मैटर हमारा हाथ में रखेंगे, लैंड एंड प्रॉपर्टी सब जितना सारे झमेला है सब हमारा हाथ में, गुरुजी भजन करेगा, गुरुजी भजन स्पेशलिस्ट है, ऐसा दैट इज नॉट एक्चुअली गुरुदर्शन। गुरुदर्शन मीन जो गुरु सब कुछ कर सकता है, जो गुरुदर्शन मतलब ऐसा नहीं कि लीगल मैटर्स गुरुदेव समाधान नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते हैं इस धरती पर ऐसा कोई समस्या नहीं है जो हमारा गुरुजी समाधान नहीं कर सकता।
प्रभुपाद कह रहे ये धरती पर ऐसा कोई समस्या नहीं है जो मेरा गुरु जी समाधान नहीं कर सकता, इसी का नाम है गुरु चरण, जिसका चरण में जाने से सारे समाधान हो जाता है। तो गुरु जी लीगल मैटर जान, गुरु जी इंग्लिश जानता नहीं, मैथमेटिक्स जानता नहीं, ये गुरु दर्शन नहीं है, ये गुरु दर्शन नहीं है। गुरु जी इंग्लिश इंग्राजी जानते नहीं, गुरु जी मैथमेटिक्स जानता नहीं, ये गुरु दर्शन, इट इज इनकॉम्प्लीट गुरु दर्शन। गुरु दर्शन में जिन्होंने कृष्ण दर्शन कर लिया, गुरु किसको बोला जाता है, जिन्होंने कृष्ण चरण को अपना हृदय में रख दिया ना, स्थापित कर दिया परमानेंट, जिसका हृदय में गुरु चरण परमानेंटली बद्ध है, क्वाइट कर दिया। गुरु जी का इतना पावर है जे कृष्ण चरण को अपना हृदय का अंदर में प्रेम का रस्सी देकर बांध के हृदय में रख दिया। तो गुरुचरण अगर कृष्ण जानता है, जे कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हो, जो अगर कृष्ण को जान लिया, जो कृष्ण से अनंत ब्रह्मांड का नॉलेज आए, व्हाट एवर नॉलेज अवेलेबल इन इंफिनिटी ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में जहां जो नॉलेज है कहां से आया, जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, उपनिषद में बोल रहा है, जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुं भवति, जिसको प्राप्ति करने का बाद, जिसको प्राप्ति करने का बाद हमारा कुछ प्राप्ति करने का शेष नहीं रह जाता, जिसको प्राप्ति करने का बाद हमारा कंप्लीट प्राप्ति हो गया, समझा नहीं, आफ्टर गेटिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा हमारा प्राप्ति कंप्लीट है, क्योंकि कृष्ण चरण तो सब कुछ है, इंफिनिटी ब्रह्मांडों का जहां जो कुछ भी है नॉलेज, इंफिनिटी ब्रह्मांडों का चाहे साइंस टेक्नोलॉजी बोलो कुछ भी बोलो कहां से आया, कृष्ण चरण से है। तो जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, मेरा गुरुजी वो लिखा पढ़ा जानता नहीं, लेकिन कृष्ण चरण को जान लिया, कृष्ण चरण तो जान लिया मतलब सब कुछ जान लिया, कृष्ण चरण जानने का मतलब शेष नहीं रह जाता है ना। लेकिन मायावादी का विचार ऐसा नहीं, हमारा अगर गुरु दर्शन इनकम्प्लीट है तो हमारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं, हमारा गुरु दर्शन इनकम्प्लीट है तो हमारा भगवत प्राप्ति संभव, जितना भी तिलक माला लगाए, जितना भी हम बेस ले ले, कुछ भी ले ले, कुछ भी कर लो, भगवत प्राप्ति होगा, हमको चक्का काटना पड़ेगा, इन चलते रहो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयन, इसका तो प्रभुपाद जी ने बताया, जो मेरा 100% जेरा मंगल दे सकता है उसी का चरण में मैं आत्मनिवेदन करने के लिए तैयार हूं। और गुरु दर्शन का बारे में भागवत जी महाप्रभु ने जो बताया, जुस्सो साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्तो साधी सुतम तस्य सर्वम कुंजर सोजो, हाथी जैसे स्नान करते मैं, हाथी जैसे स्नान, हम दो एक एग्जाम्पल देंगे बाद में, हाथी जैसे बड़ा सुंदर नहाते हैं ना, बड़ा तालाब में जाकर नहाने का बाद क्या करते, तालाब का बाद आ गया वो धूला लेके पावडर पूरा शरीर, तो नहाने का क्या मतलब है, नहाने का दरकार क्या है। तो हमारा भी ऐसा है, गुरुचरण आश्रय किया तो क्या मतलब है, अगर गुरुचरण आश्रय किया है तत्व ज्ञान जानने के लिए आया है तो फिर मेरा मन कैसे विषय का ओर भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, किस लिए आया गुरुचरण, कि मेरा गुरुचरण इनकम्प्लीट है, मेरे को कुछ पीछे में पैसा रखना जरूरी है कि गुरु जी क्या करे हमको तो रक्षा नहीं, आज तक मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, बामन गुस्से महाराज के बैंक अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, सब चल रहा, धक्का धक्का हजारों हजारों किताब छाप रहा है, सब कर रहा है, सब चल रहा है,
कैसे चल रहा है हमको मन, सब चल रहा, विश्वास होनी चाहिए। जब मैं समाधान एक है, समाधान एक है, समस्या बहु है लेकिन समाधान एक है, समस्या काउंटलेस है लेकिन समाधान एक है। क्या समाधान है? न शुद्ध गुरु चरण में आत्मनिवेदन करें, ये समाधान, बस एक समाधान। काउंटलेस प्रॉब्लम्स है, समाधान एक है। जब हम गुरु जी का होकर सेवा करें, मैं गुरु जी का शिष्य हूं बोल के परिचय देता हूं लेकिन अपना मन को पूछे तो मैं गुरु जी का शिष्य नहीं हूं, क्योंकि गुरु जी का सेवा तो मैं करता नहीं हूं, अपना सेवा करता हूं। गुरु जी को सामने रखकर मैं अपना सेवा कर रहा हूं, समझा? गुरु जी का पिक्चर, गुरु जी का मूर्ति सब रखकर मैं अपना सेवा कर रहा हूं, हम ना कर रहा हूं, गुरु जी को सामने रख रहा हूं, ये गुरु सेवा नहीं। गुरु सेवा और गुरु भोग, गुरु सेवा क्या है, गुरु भोग क्या है, हमने क्या बोला? काउंटलेस समस्या है, समाधान नहीं है। अनंत ब्रह्मांड ने काउंटलेस समस्या लेकिन समाधान नहीं है। सदगुरु चरण में आत्मनिवेदन कर तो पूरा विश्वास के साथ, ऐसा नहीं कि 50% दिए, अपना तबीयत खराब हो कहां जाएंगे, कौन देगा पैसा, कोई ठिकाना, पीछे में पैसा रख दे, ये आत्मनिवेदन नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है इसका बारे में भागवत जी महापुराण में है, सुनो तो हैरान हो जाओगे। एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? परम सत्य। मायावादी लोगों को पता नहीं, मायावादी लोगों को पता ही नहीं है एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, वो अंधेरा का पीछे दौड़ रहा है पागल के मार। हमारे भागवत जी महापुराण में बता दिया ये एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। देखो क्या है एब्सोल्यूट ट्रूथ, जत्रो जेनो जतो यशो जस्मै जज्जत जथा जदा। किसी ने संस्कृत पढ़ा होगा या बांग्ला ग्रामर, संस्कृत ग्रामर पढ़ा होगा और अच्छा है, आपने इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा होगा, उसमें क्या है केसेंडिंग आता है ना, केसेंडिंग आता है कि नहीं, कौन, किस लिए, किसके द्वारा, कब, कहां से, क्यों, उत्तरार्थ। ग्रामर पढ़े बांग्ला ग्रामर, बांग्ला ग्रामर है के की किसे द्वारा कुथाय कौन कैनो पढ़े ना, पढ़ा है ना, हाँ, ये सब जो ये जो संस्कृत में होता है इंग्लिश में तो कौन क्यों किसके द्वारा सब आता है। इसके अलावा तो ग्रामर कुछ कोई ग्रामर टिकता नहीं, चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, सके संस्कृत थोड़ा एडवांस है तो अंग्रेजी ग्रामर में एक बेसिक थिंग आएगा ही। तो जत्रो जेनो जतो यशो जस्मै यद यद यथा यदा, कारक विभक्ति के सेंडिंग का जितना मैंने क्वेश्चन करोगे, ये किस लिए हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे उत्तर अल्टीमेटली गोइंग टू टच दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सब कारण। वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोगों का रिसर्च का यही प्रोसीजर है, कॉज एंड इफेक्ट। हम जो श्लोक देके शुरुआत किया उसका भी व्याख्या करेंगे थोड़ा, कॉज एंड इफेक्ट इंटर रिलेटेड, कॉज एंड इफेक्ट जो है कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है बाल्ब जल रहा है, ये हो सकता, बाल्ब जल रहा है कोई कारण नहीं, हो ही नहीं सकता, बाल्ब जलने के पीछे कारण क्या है, पीछे सर्च करो, रिसर्च करो, दूसरा एक कारण आएगा, वो वहां बिजली कैसे आया उसका पीछे चलते रहो, उस पावर स्टेशन स्टेशन में चलो, वहां बोला पावर तैयारी होता है, पावर कैसे होता है, और मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिक शक्ति, क्योंकि विज्ञान का यही तो नियम है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, विज्ञान तो यही बोलता है ना, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर, शक्ति को विनाश नहीं किया जा सकता। मायावादी पहले ही गलती कर देता,
जो गलती जर्मन का साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने नहीं किया वो गलती मेरा हो जाता। क्यों, कैसे हो जाता? वो तो जर्मन का है, वो तो जर्मन का है, वो कुछ जानता ही नहीं। उसको कैसे पता चला जी, जितना सारे ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ एनर्जी। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, तांबा का एक चम्मच, इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता। जैसे न्यूक्लियर प्लांट में कैसे एनर्जी आती, यूरेनियम प्लूटोनियम जो है हायर एलिमेंट केमिस्ट्री का, उसको उसका एक एक बोम्बार्ड में होता है, एटॉम को बोम्बार्ड करके डॉटर एलिमेंट माने एनर्जी पास्ट होता, माने मैटर से एनर्जी होता। ट्रॉम्बे, बॉम्बे में ट्रॉम्बे है ना, एटॉमिक पावर प्लांट, क्या होता है ए बोम्बार्डमेंट, एटॉमिक पावर प्लांट में एनर्जी को ऑब्जेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर। तो ये एक फॉरेन का साइंटिस्ट है, उसको पता चल गया जे ऑल ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट इज अ कंसेंट्रेशन ऑफ एनर्जी। जो हमारा चंडी पाठ नहीं किया, दुर्गा देवी का चंडी पाठ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या क्या बोला, यही तो बोला जो आइंस्टाइन बोला, वही तो बोला। तो आइंस्टाइन को कैसे पता चला? जा देवी माने जो मैया, जा देवी सर्वभूतेषु, सब हर भूत में, हर जगह कोने कोने में एनर्जी का रूप में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित। तो मैं मायावाद का विचार में आऊं, ठीक, तो यही गौड़ीय विचार में है। महाप्रभु जी का साथ मायावाद का जो विचार हुआ, महाप्रभु बोले सर्वोमटाचार्य का बात पूरी में या तो वाराणसी में, कोई भी, इतना चर्चा करने का टाइम नहीं, सो आई एम गोइंग टू स्पीक विद द जिस्ट, इतना चर्चा करने का टाइम नहीं। मायावादी लोग बोलते हैं ये दृश्यमान जगत, ए टेंजिबल वर्ल्ड, दृश्यमान जगत ये है ही नहीं। ये जगत, मायावादी क्या बोलता है, ये जो जगत है ये देख रहा है सब, वो है ही नहीं। इट इज वन कैन ऑफ ड्रीम, आई एम फूलिश, इट्स वन कैन ऑफ ड्रीम, अरे आई कैन टच दीज ऑब्जेक्ट, देन योर बॉडी इज ऑल्सो वन कैन ऑफ ड्रीम, रास्केल, हाउ कम यू आर स्पीकिंग दिस काइंड ऑफ फूलिश थिंग, तुम्हारा शरीर भी तो तुम्हारा ड्रीम है। बोले इट्स वन कैन ऑफ ड्रीम, जगत है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये तो हम भी मानता है, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन कंसेप्शन। ये नहीं कि इस बात को वेदांत का हमने धक्का लगा दिया, हम भी मानते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ठीक ही है, हम भी मानते हैं ये भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म कि, लेकिन तुम्हारा विचार निराधार है, मेरा विचार निराधार नहीं है। क्योंकि महाभारत विचार में बोलता है इस वन कैन ऑफ ड्रीम, कुछ नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है ब्रह्मो विकार प्राप्त हुआ, ब्रह्मो गोइंग टू अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, समझा, ब्रह्मो विकार प्राप्त होके जगत। अरे वो लोग बोलता है मायावाद ब्रह्मो विकार प्राप्त होके जगत परिणाम, अरे ब्रह्म विकार प्राप्त होके, जो ब्रह्मो का कोई क्षमता नहीं है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन मायावादी का, डू यू बिलीव दैट ब्रह्मो हैज सम शक्ति और नहीं, मायावादी का पास मेरा पहला क्वेश्चन है, डू यू बिलीव दैट ब्रह्म हैज सम शक्ति और ही इज टोटली डिवॉइड ऑफ शक्ति, पहले ये बताओ। तुम तो खोद ही अपने को धोखाबाजी में ले गए, क्योंकि वो लोग बोलता है अगर ब्रह्मो को शक्ति मान लिया
If I am going to believe at all that there is a Shakti of Brahma, then dual conception can come. But I cannot believe dual conception. Eko Brahma yuva na paraha, itna rascal hai. Kitna buddhu hai dekho. वो उतना उसका ही नेटवर्क में वो फंस गया। उसको अगर बोले तुम तो बोलते हो ब्रह्मो विकार प्राप्त हो गए। ब्रह्मो कैसे विकार प्राप्त हुआ? जिस बारे में ब्रह्मो संगीता में जो ब्रह्मा जी ने देखा है, वो इज द क्रिएटर ऑफ दिस यू नो सृष्टि का जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, उन्होंने खुद देखा ना। ब्रह्म संगीता की कौन लिखी थी? हाउ यू रोट ब्रह्म संगीता? ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संगीता बोला जो देखा है प्रैक्टिकली। तो वहां लिखा है जब ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। क्या तुम्हारा बात माने कि ब्रह्मा का बात माने? जब ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, निष्कलंक जिसको बोला है कोई कलंक, स्टेनलेस ब्रह्म, स्टेनलेस। तो ब्रह्म अगर स्टेनलेस है, निष्कलंक है, तुमने कलम को आरोप कर रहे हो। तुमने कलम को आरोप कर रहे हो। ब्रह्म स्टेनलेस। ब्रह्मा जी ने बताया जब ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमम। ब्रह्म निष्कलम को, तो उसको तुम कलम को आरोप कर रहे हो। तुम बोलते हो ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ। विकार मतलब हम अगर बोले हमारा गुरु जी का विकार हो गया, वो माया में फंस गया, ये क्या गुरु दर्शन हुआ? तो फिर हमारा गुरु जी अगर माया में फंसे तो ऐसा गुरु को कौन मोहन करे? देखो क्या विचार है। तो महाप्रभु जी ने बताया आपका कंसेप्शन रॉन्ग है। शंकराचार्य शंकर भगवान स्वयं है, लेकिन शंकराचार्य भगवान का आदेश का द्वारा प्रेरित होकर मायावाद प्रचार किया। मायावादम अशोशास्त्रम मयिगो विहितम। हमारा था शंकर बोल रहा है मायावाद हमने प्रचार किया, देवी हमने प्रचार किया, क्योंकि भगवान आदेश किया जाओ। ये सब असुर है ना, इस राक्षस असुर जब मायावाद के द्वारा हिप्नोटाइज करो। हिप्नोटिज्म जानते हो ना, हिप्नोटाइज करता है, हिप्नोटाइज ऐसा कर लिया। तो मायावाद का पहला गलती है उन्होंने खुद ही फंस गया। वो अगर बोले ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ, तो तुम्हारा ब्रह्म अगर विकार प्राप्त हुआ तो इस ब्रह्म का तुम भजन क्यों कर रहे हो? छागल का मापी जो ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ है, हु कैन अंडरगो डिफॉर्मेशन, दुर्गंध दूषित विकार प्राप्त होता है, उसका आराधना क्यों करें हम? क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा आइडिया ही नहीं है ब्रह्म क्या चीज है, तुम आराधना करने के लग गए। तो इसका विचार यह है, अगर हम ब्रह्मो का शक्ति मान लिया तो आई वुड हैव टू बिलीव दो तत्व। दो तत्व मानना पड़ेगा ना, इसीलिए नहीं मानता। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, नद्वैतवाद, द्वैत मानेंगे नहीं, जो है एक ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये तो हम ही मानता है। लेकिन सर्वम खलुदम ब्रह्मो का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म विकार प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म बेकार की चीज है, फालतू चीज है, ब्रह्म का कोई डाइवर्सिटी नहीं रह सकता। हाउ इज दैट? बिकॉज गौड़ीय विचार के अनुसार हमारा टॉप मोस्ट वेदांतिस्ट हमारा कौन है? हमारा जीव गोस्वामी पाद। महाप्रभु जी ने तो समाधान करके किया, महाप्रभु जी ने समाधान करके किया। महाप्रभु जी मतलब देखा अचिंत्य भेदावेद तत्व, अचिंत्य भेदावेद तत्व, अचिंत्य भेदावेद तत्व के द्वारा इन्फिनिटी वर्ल्ड और भगवान संबंधित है। समझा? इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड, इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड, इन्फिनिटी अप्राकृत जगत, इन्फिनिटी प्राकृत जगत और भगवान, दोनों कैसा है? अचिंत्य भेदावेद तत्व के द्वारा रिलेटेड है। भगवान एंड इन्फिनिटी वर्ल्ड, मेटेरियल जगत और अप्राकृत, ऑल आर
रिलेटेड विद भगवान विद ऑन द बेसिस ऑफ अचिंत वेदवेद तत्व। अचिंत वेदवेद तत्व के ऊपर आधारित है। अचिंत मतलब इनकॉन्सिवेबल, जो सोच विचार करके नहीं आ सकता, जो विचार करके समझोगे नहीं, आपका भक्ति हो जाए तब आप समझोगे। अचिंत मतलब चिंता नहीं किया जा सकता। अचिंत मतलब जिसका चिंता का विषय नहीं है। चिंता करने जाओ तो लात खाओगे। जितना इस विषय को ऊपर चिंता करने जाओगे, ओ मैं भी दिस कैलकुलेशन, जितना चिंतन करने जाओ उतना ही लात खाओगे, लात खाओगे। क्या लात? उपनिषद में बताया यह तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनोशासः। आपका जो एफर्ट है, आपका जो बुद्धि है, विवेक है, पैसा का पावर है, धन बल विद्या बल सारे लेके अब यू कैन ट्राई टू अप्रोच द एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट यू कैन गेट ए किकबैक, यू कैन गेट ए किकबैक और फीडबैक, कुछ नहीं। तुम्हें आप अपना जितना सारे आपका विद्या बल है, जितना सारे पैसा बल है, लोग बल है, सारे लेके इकट्ठा करके हम सत्य को जानेंगे। जानने के लिए आगे बढ़ो, लेकिन एक एक लात खाके पीछे माया में गिर जाओ। यह तो वाचन निवर्तन थे अप्राप्त मनुष्य, मन बुद्धि सेंस ऑर्गन सारे एक लात खाके फिर अपना पोजीशन पे आ जाए। लेकिन हमारा सेंसुअल परसेप्शन पावर, हमारा इंद्रियों का क्षमता, हमारा विचार क्षमता, इसके ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म है विच इज नॉट नोन टू मायावादी। हमारा इतना तर्क वितर्क, इतना विचार बुद्धि का बात, एक एक प्लेटफॉर्म है जो मायावादी जानते नहीं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। इसको अपराकित भूमिका है, जहां प्रेम की बातें चलता है, जहां ओनली प्रेम की लैंग्वेज, प्रेम का कोड लैंग्वेज होता है ना। ये जड़ जगत में देखो कि प्रेम हो गया ना लड़का लड़की में, वो देखने से हो जाता है कि वो कोड लैंग्वेज, बोलना नहीं पड़ता, अंदर में भाषा समझ जाता है। तो मेटेरियल जगत का, अगर मेटेरियल जगत का प्रेम का ऐसा हालत है, मेटेरियल जगत का प्रेम का अगर ऐसा हालत है, देखने से पता चलता है क्या हुआ, माने आंखों का दृष्टि से इशारा से हो जाता, तो क्या अपराकृत जगत का होगा? नहीं, जरूर होगा। प्राकृत जगत में जैसे एक प्लेटफॉर्म है, प्रेम की परिभाषा अलग है, कोड लैंग्वेज, और हम जो प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, जो इनकॉन्सिवेबल अचिंत बताया, अचिंत का मतलब कोई सोचा नहीं जा सकता है। ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। तो ये अगर है तो हम छोड़ देंगे प्रयास ना, बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन बोलने के साथ तले क्या होगा? जिसको जानने के लिए बैठा है उसको जाना नहीं जाए, जाके जानवा जो नो चेष्टा कुछ जगह जाना जाए ना, उपनिषद बोझे तले में की करवा जाना दरकार ना। ए ह्यूमन बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन देर इज वन प्लेटफॉर्म, अपराकृत प्लेटफॉर्म है, जहां भगवान का साथ जब मेरा प्रेम का रिलेशन हो जाए तो प्रेम का कोड लैंग्वेज भगवान समझेगा, भगवान का लैंग्वेज मैं समझा। दैट इज मायावादी का कंसेप्शन गलत है, मायावादी जानता है। मायावादी इस चक्कर में फंस गया कि अगर हम वो उसका मन में स्वीकार करता है, ये जरूर कोई एनर्जी है। जैसे साइंटिस्ट लोग आज से 40 साल पहले 50 साल पहले बोलते थे देयर इज वन बिग बैंग, पहले बोलते थे 40-50 साल पहले बिग बैंग में एक्सप्लोशन हुआ, तो बाद में क्वेश्चन आया बिग बैंग में जो एक्सप्लोशन हुआ है हु इज द सप्लायर ऑफ दैट एनर्जी, तो उसका उत्तर नहीं मिला। बाद में पता चला नहीं ये सब कुछ नहीं, बेकार। चेतना का जागरण बुक के बोल के गोमाता का
काउस रॉटर के ऊपर किताब निकाला, बहुत दिन 12-14 साल उसको पढ़ लेना हिंदी में, उसमें सारे साइंटिस्ट लोगों का रिसर्च का लेटेस्ट क्या वर्सन है। तो साइंटिस्ट लोग परेशान हो गया, ये एनर्जी कहां से है, आप बिग बैंग में एक्सप्लोशन हुआ, एक्सप्लोशन कैसे हुआ, एनर्जी कौन दिया, हु इज द सप्लायर ऑफ दैट एनर्जी, बोल नहीं सका। फिर पीछे आ गया, आगे चलो रिसर्च करते करते देखा ये सब कारण नहीं है। अ लो माउंट ऑफ साउंड एक वंशी ध्वनि से सृष्टि हुआ, हमारा चर्चा करने का टाइम नहीं है इसलिए बोल नहीं सकता, या तो पूरा साइंटिफिक व्याख्या करके हम उठते औद्योगिक व्यवसाय कैसे ये मैटर को सप्लाई किया। जो मैटर हमने अभी बोला था ना कुछ आधा घंटा पहले, जत्रो जेनो जतो जसो जस्मो जज्जत जथा जथा, भगवान भगवान जो है अपने लिए है, भगवान अपने लिए इट्स भगवान का ही, भगवान भगवान के लिए है, अनंत ब्रह्मांडो भगवान का ही है। जब हम गुरु जी का होकर भगवान का होकर सेवा करेंगे तब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, समझा नहीं। जब हम भगवान का होकर, जैसे एक बेटिया रानी के साथ एक आदमी का शादी हुआ, शादी होने का पहले आत्मनिवेदन नहीं हुई, शादी होने का साथ साथ आत्मनिवेदन हो गए। वेदों में मंत्र है, मंत्र के द्वारा बेटिया रानी स्वामी जी का अपना स्वामी का चरण में आत्मनिवेदन करे, आई एम योर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड जदिदम हृदय ममो तदिदम हृदय तव, ये मंत्र बोलना पड़ता है मैरिज सेरेमनी में, वेदों का है। जदिदम हृदय ममो तदिदम तुम्हारा जो दिल में है वही मेरा है। अंग्रेजी में क्या व्याख्या है, मैरिज इज नथिंग बट द यूनिफिकेशन ऑफ टू ह्यूमन सोल हैविंग टू सेपरेट बॉडी, समझा। विवाह क्या है, दो आत्मा एक हो जाएगा बोलता है ना, एक तो नहीं होता फिर भी एकाकार हो जाता, मैंने कोई डिस्पैरिटी नहीं रहे, दो आत्मा तो एक होना संभव ही नहीं है, विचार के अनुसार तो अलग अलग एग्जिस्ट नहीं है, फिर भी वो प्रेम के द्वारा एकभूत हो गया, ये माया। तो मायावादी का सबसे समस्या है ये जगत का मैटर कहां से है, उसको अगर क्वेश्चन करे वो बोल रहा है ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ, ब्रह्म विकार प्राप्त अगर हो गया तो इस ब्रह्म को क्यों भजन कर रहे, जो ब्रह्मो यूजलेस है, जो ब्रह्मो विकार प्राप्त होता है इसका भजन करके क्या करो, लाभ नहीं है। तो जो श्लोक देके शुरुआत किया, टाइम भी कम है क्या करे, सो जो श्लोक देके शुरुआत किया इसमें आए गुरु जी का जो तत्व हमने बताया, मायावादी लोग गुरु जी का गुरु पूजा करे, वो लोगों का गुरु पूजा देखोगे तो पागल हो जाओगे, इतना अरेंजमेंट है गुरु पूजा करता है, लेकिन वो गुरु पूजा का अंदर में कुछ नहीं, सब बैकएंड। क्यों बैकएंड है, वो तो गुरु को नित्य स्वरूप मानते नहीं, तो गुरु जी का नित्य स्वरूप तुम मानते नहीं हो, किसका पूजा कर रहे हो। वो लोग बोल रहे हैं साधु का नाम हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना, कोई लोग बोल रहा है साधक, मैं साधक हूं ब्रह्म साधना कर रहा हूं। देखो मायावादी क्या बोल रहा, मैं साधक हूं, ऐसे तो साधक शब्द ही नहीं चलता है, साधक मतलब सेवा तो चलता नहीं, फिर भी वो लोग बोल, तो वो लोग का बात जो बात है वो निराधार है। साधो का नाम हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना, हम अगर प्रश्न करें तुम राधा कृष्ण का मूर्ति राम जी का मूर्ति क्यों रख दिया, रामानंद जी संप्रदाय में ले जाएंगे तुमको दिखाने के, राजेंद्र तो बात करता है ना तो मंदिर में ले जाएंगे, शीशे का कमरे में दो विग्रह, विग्रह नहीं है पुतली, हम दिखाएंगे तुम देख के ही पता चलेगा, तुम अगर देखोगे ना पुतली है विग्रह नहीं,
है शीशे का कमरे में राम सीता को रख दिया और उसका कोई मतलब नहीं। मायावादी, मायावादी तो मायावादी है ही है, वो लोग भी मायावादी। तो साधो का नाम हिता था ये बम्बुर पुकल, तुमको ले जाएंगे रोमन रहती गोकुल में, रमन रति गोकुल में ले जाएंगे, उधर देखोगे राधा गोविंद जी का विग्रह क्या करता है, वो लोग भी आरती करता है सब देखोगे तो हैरान हो जाओगे। लेकिन जे पक्का साधु है ना, विग्रह का और देखने का साथ साथ तो पता चलेगा इट इज नॉट डेटी, इट इज कॉल्ड पापेट। तुमको ले चलेंगे चलो गोकुल में, रमन रति में विग्रह दिखाएंगे, तुम आंखों देखने का साथ पता चलेगा मायावादी, ये विग्रह नहीं। साधो का नाम हितार्थाय ब्रह्म, साधो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान दे, निर्विशेष ब्रह्म का निराकार निराधार ब्रह्म का ऊपर कंसेंट्रेट करना, ट्राई टू रिमेंबर अंडरस्टैंड टू कंसेंट्रेट ऑन दिस ब्रह्म व्हिच इज निराधार है, आकार नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। भगवान ने गीता में बता दिया, भगवान ने दी अव्यक्त ही गति दुखम देहो बद्भी रवापते, भगवान बताया गीता, भगवान ने गीता में बताया मेरा अव्यक्त स्वरूप का आराधना करना बहुत मुश्किल है, हाउ यू कैन कंसेंट्रेट, तुम्हारा मन चंचल है, सामने कोई विग्रह नहीं है, कुछ नहीं है, तुम भगवान को मानते नहीं हो तो क्या करोगे तुम। गीता में भगवान बता दिया पूरे क्लियर, क्या बताया अव्यक्त तो ही गतिर दुखम देहो बद्भी रवापते, देहोधारी शरीर आदमी के लिए अव्यक्त स्वरूप भगवान का भजन करना कंसिडर कर संभव नहीं। तुम बोले ब्रह्म का भजन करो, ब्रह्म का भजन होता है, अरे भजन का मतलब क्या है, संस्कृत नहीं जानते हो, भज धातु मतलब सेवा, संस्कृत में भज मतलब सेवा, भज धातु सेवायम, तो तुम कैसे यूज कर? You are less interested about serving Bhagavan Guru Vishnu. How you can use? तुम्हारा तो अधिकार नहीं है, you have no right to use this word. तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम ये शब्दों को यूज करो। भजन, भजन क्या, तुम्हारा भजन शब्द यूज करने का अधिकार ही नहीं है, भजन मतलब क्या, सेवा, तुम तो सेवा नहीं करते हो। तो साधो का नाम हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना, ऐसे गुरु जी का भी ऐसे मायावादी लेके आओ हमारा किसी मंदिर से, उसको हम पूछे, आप गुरु उसको पूछो तुम किस गुरु का आराधना करो, जो उनका विचार सुनने से हो करके हंसी आ जाएगा। जिस गुरु जी ध्यान दो, जिस गुरु जी ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ध्यान दे, जिस गुरु जी ब्रह्म को प्राप्ति कर, वो लोगों का विचार हम नहीं बोलते, ब्रह्म को प्राप्ति करेगा जो ब्रह्म लीन होगी वो तो दिखा नहीं देगा, ब्रह्म वो तो ब्रह्म भूत हो गए, उसका कंसेप्शन रॉन्ग है, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया और वो तो दिखा नहीं देंगे, मैं तो ब्रह्म हो गया किसको दिखा देंगे, तो किसको गुरु मानोगे, किसको गुरु मानोगे जो अभी तक ब्रह्म को जाना नहीं। सो यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट वन गुरु ही इज जस्ट इग्नोरेंट अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्शन, समझा, तुम्हारा विचार के अनुसार जिन्होंने ब्रह्म प्राप्त कर लिया उसको तो तुम गुरु, वो तो गुरु नहीं होगा, वो तो ब्रह्म हो गया, उसका विचार हम नहीं बोल रहे, तो गुरु वो शिष्य नहीं बनाएंगे, तो कौन शिष्य बनाएगा जो अभी तक नॉट रियलाइज्ड ब्रह्म को अनुभव नहीं किया, ऐसा फालतू गुरु को मान, तो ये गुरु का क्या मतलब है, अनवगत, अनवगत स्वात, गुरु का डेफिनेशन अनवगत स्वात, गुरु जो ब्रह्म को जाना नहीं उसी को मैं गुरु रूप में कहा, अनवगत स्वात जिसको ब्रह्म का बारे में कोई कंसेप्शन नहीं है ब्रह्म के बाद, उसको हम गुरु गुरु, ये गुरु ग्रहण कर क्या करोगे तुम, ये तो हंसी का मामला है, ये हो करके हंसी आएगा, तुम छागल हो, बुद्धि नहीं है तुम्हारा, क्या करोगे इसे?
तो जो भी है पहला श्लोक व्याख्या करके छोड़ेंगे, दो एक मिनट बाकी है। क्या बताया था, क्या श्लोक देके शुरू किया था? अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्यम यदक्षरम निवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगत हो। एक दो लाइन में व्याख्या करके छोड़ दे, अभी टाइम मिले तो बाद में बताएंगे, तो जो जाना है फिर देखेंगे विचार करके क्या। अनादि निधनम ब्रह्म, अनादि निधन ब्रह्म, हु कैन ने हु दैट अनादि निधनम ब्रह्म अनादि काल से विराजमान है, हु कैन नेवर अंडरगो इन ए डिफॉर्मेशन, जो कभी विकार प्राप्त तो नहीं होता, अनादि निधनम ब्रह्म, जिसका निधन नहीं होता, अनादिकाल से विराजमान है जो तत्व है, आज जो शब्द तत्व, अच्छा शब्द तत्व, यस, इस बारे में कभी हम चर्चा करेंगे भागवत से लेकर अर्थात वेदांतों में अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, भागवत में अर्थात तत्व जिज्ञासा, और चैतन्य चरितामृत सनातन गोसाई का के आमी कहने मोरे चारे तत्व, ये तीनों एक ही है। ये ब्रह्म जिज्ञासा मतलब शब्द जिज्ञासा, हम समझा नहीं, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब शब्द जिज्ञासा, यस, ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब शब्द जिज्ञासा, क्यों? क्योंकि इस श्लोक में बताया गया अनादि निधनम ब्रह्म, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व जदक्षरम, अनादि निधनम जो शब्द तत्व का रूप में प्रकाशित हुआ, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म मंत्र, ब्रह्म एकाक्षर ब्रह्म मंत्र ओम हो सकता है, या तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र हो सकता है, या तो जुगल किशोर का है राधे श्याम 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 राधे राधे होता है, तो सारे जाकर वो ब्रह्म को इंडिकेट करता है। भगवान गीता में ये भी बता भी दिया, लेकिन ये लोगों का इतना ब्लॉक हेड है, इतना मोटा माथा है, पशु का माफी दिमाग, इतना पशु का माफिक हो गया, ये लोग समझता नहीं। भगवान ने खुद गीता गीता में बता दिया, वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, तमाम वेद पाठ करके हमको जानना है पर्सनिफाइड, तो फिर भगवान ने खुद अपने को पर्सनिफाइड किया, तुम बोलते निराकार है, अरे भगवान बोलते अगर हमको नहीं जाना सारा वेद पाठ करके, तो भगवान बोलते ये सब देख के है, अरे तुम क्या कमाल का बात करते हो, भगवान ने बोल रहा है जो खुद को दिखाकर वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, तो फिर आज जितना सारे समान है सर्व योगों का भोक्ता मैं हूं, भक्त्या अहम बहुरे वचा, भगवान खुद बोल रहा है, हा तुम बोल रहे निराकार है, अरे पागल हो गया, ग्रामर भी नहीं चल, मिनिमम जो ग्रामर सेंस भी नहीं है मायावादी, जो भी है यहाँ चर्चा का विश्राम दे, इन लोगों का मंदिर बंद होना है। अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्यम यदक्षरम निवर्तते अर्थ भावेन क्रिया जगतु यत, ये अनंत ब्रह्मांड जिससे आया हुआ है, इतना व्याख्या करके छोड़ दे, अगर समय मिले तो बाद में हम चर्चा करेंगे। वांछ कल्पतरु वशिष्ठ के पास सिद्ध हो जाए पतितानं पावनं भवेष्यामि।